नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। खबर बलिया से है। कुमिया गांव के प्रधान प्रतिनिधि घनश्याम प्रसाद के द्वारा कोरोना वायरस पर अच्छी पहल कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, ब्यूरो चीफ बलिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा कुमिया गांव के प्रधान प्रतिनिधि घनश्याम प्रसाद ने बताया कि कोरोना वायरस पर अच्छी पहल कर रहे हैं। घनश्याम प्रसाद ने बताया कि मेरे गाँव की स्थिति अभी ठीक है, हम हर कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग सही सलामत रहे। जी भैया, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुम्हिया, ब्लॉक बरुआर बारी, घनश्याम राजभर। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा में इस विश्व में जो महामारी चल रही है, जी, जो 21 दिन का लॉकडाउन भी किया गया है, इस स्थिति में आपकी ग्राम सभा क्या स्थिति है? मेरी ग्राम सभा की स्थिति ठीक ठाक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि हमारे यहाँ ज़्यादा ये है। जो भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है महामारी कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन, इसके विषय में हम लोग डोर टू डोर जो है कि अपने गांव में घूम करके सबको प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ, इतने दिन आप लोग बाहर मत निकलिए, आप लोग घर में शांति से रहिए, अपना जो भी है व्यवस्था, अपना नमक रोटी खा करके जीवन यापन करिए। उसके बाद हम लोगों से जो भी सहायता हो रहा है, जैसे मैं सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ, कीटनाशक दवा हुआ, जिस परिवार के घर पर भोजन नहीं ये हो पा रहा है उसको व्यवस्थित कुटदार द्वारा या अपने से जो भी राहत सामग्री हो रही है उसको व्यवस्थित कराया जा रहा है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको दिलवाया जा रहा है। यही ये आपकी ग्राम सभा में विदेश अन्य राज्यों से जिले से कितने लोग आए हैं? विदेश से हमारे यहाँ अभी कोई नहीं आया है। दो तीन लोग हमारे ये क्या नाम है, लखनऊ से दो लड़के आए थे और एक इलाहाबाद से, तो उन लोगों का नाम लिख करके ग्रुपिंग में डाल दिया गया है। ऐसे उन लोगों का चेकअप उधर ही से होकर के आया था। इधर भी हम लोग अपना भेज करके ये स्पष्ट करा दिए हैं कि हाँ, ये लोग वैसा नहीं है, मतलब रोग नहीं है इन लोगों के पास, सुख शांति से रह रहे हैं वो लोग। जी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा में रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले कितने लोग हैं, जो कमाने खाने वाले, जो सुबह कमाएंगे दिन भर तो भी शाम को रोटी जाएगी? हमारे यहाँ बिहार जितनी आबादी है, मतलब उसमें लमसम मान करके चलिए कि 500 से 700 परिवार ऐसा है कि मतलब कुल परिवार कि उनका कमाने धमाने से काम करने के इसे अपना रोजी रोटी चलता है। बाकी जो भी है 50-100 परिवार वो अपना खेती बाड़ी है, जो सामान्य बिरादरी के लोग हैं। जी जी, हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपकी ग्राम सभा में अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन से सीधा निर्देश है वो भूखा व्यक्ति नहीं रहेगा, इसके लिए शासन तत्काल व्यवस्था करेगा। जी जी जी, अगर आपकी क्षमता नहीं उसको भोजन खिला सकते हैं तो उसको शासन तत्काल वो भोजन उपलब्ध कराएगी, चाहे जिस तरह हो। तो तत्काल मुख्यमंत्री का आदेश है, एक भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भैया हमारे यहाँ कि ऐसा परिवार जो भूखा रह जाए। अभी एक मुस्लिम बिरादरी में एक लड़का है, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन उसका भी व्यवस्था बना दिया गया। राशन वितरण सही से हो रहा है? इस टाइम तो जो है कि अब मैं खुद अंत्योदय और जॉब कार्ड वाले फ्री, पात्र गृहस्थी वाले पे भी जो है कि जितना गरीब परिवार था उनको फ्री दिलवाया गया। इस महीने से तो ऑलरेडी फ्री हो जाएगा सब। जी जी, अभी 4 दिन पहले कुछ वीडियो आपके ग्राम सभा से आए थे। जी जी, कोटेदार को वितरण को लेकर धांधली को लेकर ये कहा गया, वो माने कौन सा जो देना चाहिए यूनिट पर नहीं दे रहे हैं, यूनिट पे नहीं दे रहा है उनको, मतलब नहीं दे रहे हैं तो उनकी गलती है। बार बार हम लोग प्रेशर करते हैं, जो सचिव साहब हैं हमारे उनका पर्यवेक्षक में ड्यूटी लगा है, उनको भी बुला करके मैं खुद जा करके एक दिन बैठ करके बंटवाया, जितना जिनका बना सबका दिलवाया। जी जी, ये आपसे भी जानना चाहते हैं, ये शासन से आदेश था
दवा छिड़काव ग्राम सभा हुआ है? जी 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 भैया, हमारे यहाँ सैनिटाइजर का छिड़काव, ब्लीचिंग वगैरह सब कुछ, मास्क वितरण सब, मतलब परिवार को जो भी है, जैसी स्थिति है, जो जैसा व्यवस्था में है उसको समझा बुझा करके वैसी स्थिति सबको, मतलब ये किया जा रहा है। अपने से हम लोग प्रयास रख रहे हैं कि अधिक से अधिक सुख सुविधा जैसे भी हो परिवार को मिले और शांति से रहे, लॉकडाउन का हमारे यहाँ पालन हो। जी जी, क्या आपकी ग्राम सभा में मानसिक संतुलन विकसित व्यक्ति कितने लोग हैं? मानसिक विकसित ऐसे तो एक दो, मतलब छोटे बच्चे हैं, दो वो तो, मतलब एक मान लीजिए संपन्न व्यवस्था, सामान्य बिरादरी से संपन्न है, उनका ठीक ठाक व्यवस्था है। एक लड़की है जो दोनों आँख से अंधी है, उसका व्यवस्था हम लोग कर दिए, उसके परिवार का व्यवस्था कर दिया गया है, राशन वगैरह सब कुछ ये दे करके। आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है? मेरे द्वारा पहल यही कि गाँव में जा करके देख रहे हैं डोर टू डोर की, हाँ कौन परिवार कैसे व्यवस्था में है, उसका जो समस्या है उसका निवारण किया जा रहा है मेरे द्वारा। अगर वो जो सहयोग हमारे से करना बन रहा है मैं कर रहा हूँ। जी, आपके द्वारा क्या संदेश है सर? संदेश यही है सर कि जो भी ये महामारी चल रही है, इसमें पूरे प्रदेशवासी, देशवासी जो भी हैं हम लोग, हम सबको मिल करके एकजुट होकर के इस, मतलब बीमारी से लड़ने का ये है। और संदेश जो भी मिल रहा है हम लोगों को, या जो जारी हम लोगों से ये हो रहा है कि हाँ जैसे भी, मतलब व्यवस्थित इसको रखने के लिए, जान सुन करके समझने के लिए, अपना हम लोग घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें ताकि सुरक्षित रहें। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, अब क्या इस महा आपदा में भी क्या राजनीति हो रही है? और राजनीति करने वाले तो भैया वो तो आम बात है, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है। जो भी गरीब परिवार है, दुख कष्ट है, तो मिल बांट करके उसका दुख कष्ट हम लोगों का बांटना है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये सवाल किया, आप ही ग्राम सभा से कहने वाले हैं भाई यहाँ स्थिति ठीक नहीं है ग्राम सभा की, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। स्थिति क्या ठीक है वो तो मान लीजिए कि भाई विपक्ष है तो कहेंगे ही कि हाँ स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो लोग कहेंगे ही। लेकिन अब एक तो रियली है, आप भी दूसरे बार आ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जिस मैं स्थिति में हूँ जैसे भी रहता हूँ, सबको दुख में सुख में जैसे ही रहता हूँ। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।